एक छोटा सा बच्चा एक टेडी बेयर की दुकान पर एक टेडी बेयर लेने जाता है। उस बच्चे के पास पैसे कम होते हैं तो दुकानदार उसे टेडी बेयर देने से मना कर देता है। वो बच्चा बार बार गुजारिश करता है कि अंकल प्लीज ये टेडी बेयर मुझे दे दीजिए, मैं बाद में आपके पैसे दे दूंगा। लेकिन दुकानदार उसे टेडी बेयर नहीं देता है। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उधर से गुजर कर जाता है और उस बच्चे को गिड़गिड़ाते हुए देखकर उस बच्चे के पास आता है और उस दुकानदार को पूरे पैसे देकर उसे टेडी बेयर दिला देता है और उस बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम ये टेडी बेयर किसके ले रहे हो। तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल ये टेडी बेयर मैं अपनी बहन के ले रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुम्हारी बहन कहाँ रहती है। तो उस बच्चे ने फिर से कहा कि अंकल मेरी बहन भगवान के पास चली गई है। ये सुनने के बाद वो व्यक्ति बहुत शांत सा हो गया और उसने थोड़ी देर बाद कहा कि अच्छा चलो बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल मुझे घर नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल जाना है। उस व्यक्ति ने पूछा बेटा हॉस्पिटल क्यों। तो उस बच्चे ने इस बार अपनी नम आवाज में कहा कि अंकल मेरी माँ भी मेरे बहन के पास जा रही है और ये टेडी मैं अपनी माँ को दे दूंगा, मेरी माँ मेरे बहन को दे देगी। अर्थात अगर ऊपर वाले ने आपके माँ और आपकी बहन को सुरक्षित और सही सलामत रखा है तो उनकी कद्र करना सीख लो। वो कहते हैं ना पहले रोजा रखो ना पहले उपवास रखो, सबसे पहले अपने दिल में अपने माँ और अपनी बहन को पास रखो। शुक्रिया।